श्री गुमान सिंह डामोर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, और मेरे लिए खुशी की बात यह है कि मैं जो शून्यकाल में बोलने जा रहा हूँ तो हमारे माननीय मंत्री जी ग्रामीण विकास बैठे हुए हैं। गरीबों को अगर सम्मानपूर्वक जीवन जीने का कोशिश की है तो वो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परमाननीय मोदी जी ने। रहने के लिए घर, घर में बिजली, उज्ज्वला गैस और नल से जल और पक्का मकान, ये सब काम अगर कोई करवा रहे हैं तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। मैं आपके माध्यम से दो छोटी छोटी बातों पर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे देश के जनजाति क्षेत्र में और विशेषकर जो मेरा लोकसभा क्षेत्र है जिसमें सेलाना, थानला, पेटलावर, झाबवा, जोबट, अलीराजपुर, ये पूरा जनजाति क्षेत्र है और यहाँ पर करीब करीब 70 से 80% लोग या तो खेती करते हैं या खेती की मजदूरी करते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में जॉब कार्ड पर एक परिवार को 100 दिन का रोज़गार दिया जा रहा है और एक दिन की मजदूरी 192 रुपये दी जा रही है। क्योंकि झाबवा ज़िले, अलीराजपुर ज़िले में, रतलाम ज़िले में जो परिवार हैं वो करीब करीब औसत 10 लोगों का परिवार होता है और एक आदमी को दिन में, साल में 100 दिन का रोज़गार मिलता है तो उसके परिवार का पालन पोषण की थोड़ी दिक्कत आती है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और जो भूमिहीन किसान हैं उनको दिन में, साल में कम से कम 200 दिन का रोज़गार दिया जाए और मजदूरी भी अन्य राज्यों की तरफ, जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तो उन राज्यों में जो मजदूरी दी जा रही है वो मजदूरी भी मध्य प्रदेश में दी जाए जो कि लगभग 300 रुपये प्रतिदिन होती है। दूसरा, हमारे मध्य प्रदेश में जो प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं इन प्रधानमंत्री आवास में शौचालय बनाने की अनिवार्यता नहीं है। पहले समग्र स्वच्छता अभियान के अंतर्गत हमारे यहाँ शौचालय बन गए, पर जो नए प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं उसमें स्थान चेंज हो रहा है। स्थान चेंज होने के कारण जो पूर्व में जिनको शौचालय स्वीकृत हो गया था उनको प्रधानमंत्री आवास के साथ शौचालय नहीं दिया जा रहा है। उसके कारण मेरे लोकसभा क्षेत्र के झाबवा ज़िले में, जो कि 2018 में ODF घोषित हो गया था, अब लगभग 25 से 30% आबादी खुले में शौच के लिए जा रही है। तो मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री आवास के साथ अनिवार्य शौचालय का निर्माण हो। धन्यवाद, नमस्कार।